तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिप के बारे में, ठीक है। रिप स्टैंड फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो एक आपका IGP प्रोटोकॉल है, ठीक है, और एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल था। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल सबको पता है कौन से होते हैं, बताया था ना मैंने आप लोगों का डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था क्या मैट्रिक, इसकी जो मैट्रिक थी वो क्या यूज करता है, ये हॉप काउंट, ठीक है। जिस राउट से हॉप काउंट सबसे लेस होंगे वो अपने राउटिंग टेबल में क्या करेगा, वो रखेगा राउटिंग टेबल में उस राउट को। उसके बाद में हम लोगों ने मैक्सिमम पाथ के बारे में डिस्कस किया था, बाय डिफॉल्ट 4 होते हैं और मैक्सिमम आप कितना यूज कर सकते हो, 16, और टाइमर, इसके टाइमर्स बताए थे कुछ, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं रिप के वर्जन्स के बारे में। अब देखो हमारा जो रिप है, रिप के दो वर्जन होते हैं, रिप वर्जन 1 और एक होता है रिप वर्जन 2, फाइन। इनमें डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में। इट इज ए क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या समझते हो आप, इसे में लिखना, इट सेंड्स इट्स कंप्लीट राउटिंग टेबल to immediate neighbor without subnet mask for example, ये मेरे पास में क्या है, एक router है और एक ये router है, ठीक है। ये दोनों आपस में connected है, इसकी राउटिंग टेबल होगी यहाँ पे, इसकी राउटिंग टेबल में लाइक नेटवर्क है 10.1.1.0/24 पे, इसके पास में एक और नेटवर्क है 20.1.1.0/24 पे, और एक है 30.1.1.0/24 पे, ठीक है। मैंने बताया था इन दोनों पे हम लोगों ने क्या कर दिया, रिप इनेबल करने के बाद में ये राउटर क्या करेंगे, अपनी राउटिंग टेबल को नेबर के साथ में शेयर करेंगे, वो कौन शेयर करेगा, वो रिप शेयर करेगा ना, ठीक है। तो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या मतलब है, जब भी ये राउटिंग टेबल का अपना इसको अपडेट देगा तो ये सबनेट मास्क साथ में नहीं भेजेगा, ये सिर्फ क्या सिर्फ सबनेट भेजेगा, नेटवर्क आईडी भेजेगा ये 10.1.1.0, ठीक है, सबनेट मास्क साथ में उसके सेंड नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो ये क्या उठा लेगा, इसको वो डिफॉल्ट क्लास का समझ लेगा कि ए क्लास का है, तो इसको किस पे रख लेगा, 10.0.0.0/8 पे, 20.0.0.0/8 पे, 30.0.0.0.0/8 पे, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये सबनेट मास्क साथ में सेंड कर देता तो इसको पता चल जाता ना वहां पे सबनेट मास्क क्या यूज हो रहा है, तो इसने सबनेट मास्क साथ में नहीं सेंड किया अपनी राउटिंग टेबल में, सिर्फ सब नेटवर्क जो नेटवर्क आईडी है वो बता दी। तो ये क्या कर लेगा, ये जो डिफॉल्ट क्लास के जो सबनेट है उसको वो कंसिडर कर लेगा और अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। तो जो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो कभी भी सबनेट मास्क साथ में सेंड नहीं करते, ठीक है, ओके। तो ये आपका एक क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, रिप वर्जन, सॉरी ये आपका क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो सबनेट मास्क साथ में सेंड नहीं करेगा अपनी राउटिंग टेबल, जब भी सेंड करेगा अपने नेबर को, ठीक है। बट जो आपका रिप वर्जन 2 है वो एक आपका क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, इट इज ए क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल,
it send its complete routing table to its immediate neighbor. Its immediate neighbor with ये अपना सबनेट मास्क साथ में सेंड करेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, रिप वर्जन 2 इनेबल किया हुआ है। पहले तो रिप वर्जन 1 था, इस बार मैंने क्या किया है, रिप वर्जन 2। अगर यहाँ पे जो इसका स्लैश सबनेट मास्क जो साथ में यूज हो रहा है वो साथ में सेंड करेगा उसके, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, नेक्स्ट लाइन लिखो। It doesn't support VLSM. इसे ये VLSM को support नहीं करेगा। It support VLSM. ये VLSM को support करेगा, ये फायदा हो जाएगा इसका। क्या होगा, यहाँ पे एक राउटर है और यहाँ पे एक राउटर है, फाइन। एक नेटवर्क यहाँ पे आपने यूज किया हुआ है 10.1.1.0/24 पे, एक आपने यूज किया हुआ है यहाँ पे 10.1.1.2.2.0/24 पे। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट सब नेटवर्क है ना। अब अगर ये सबनेट मास्क साथ में सेंड नहीं करेगा तो इसके पास में क्या है, ये इसको किस पे ले लेगा, ये देखेगा 10 का तो मेरे पास में क्या ऑलरेडी पड़े, वो उसको किस पे ले लेगा, 10.0.0.8 पे ले लेगा, ठीक है। और एक राउटर से और इसके पास में यहां पे नेटवर्क है, ठीक है, ये आएगा तो ये कैसे लेगा, ये तो इसके पास में ऑलरेडी पड़े है। अब अगर यहां पे कोई पीसी पड़े है उसको कम्युनिकेट करना है, जिसका आईपी क्या है 10.1.1.0/ किस पे है, वन आईपी है जिसका, यहां से उसको कम्युनिकेट करना है। अब इसको कैसे पता चलेगा वो इधर डेटा सेंड करना है या इधर डेटा सेंड करना है, इसके पास में तो ये रिसीव हो रहा है दोनों से, समझ रहे हो या नहीं समझे, है ना, क्योंकि मेरा एक डिफरेंट सबनेट है, ये एक मेरा डिफरेंट सबनेट है, इसको थोड़ा ना पता है, ये तो दोनों को किस पे रिसीव कर रहा है, स्लैश 8 पे रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि सबनेट मास्क तो साथ में आया नहीं था। तो अगर आप VLSM को सपोर्ट कर लोगे तो क्या होगा, अब आपके पास में ये साथ में सबनेट मास्क भेजेगा तो ये इंस्टॉल करेगा 10.1.3.0/24, कहाँ जाना है, इधर जाना है, आपने इधर से यहाँ कनेक्टेड है, एक ये रिसीव हो रहा है तो ये कहाँ से रिसीव हो रहा है, इसको यहाँ से रिसीव हो रहा है 10.1.1.0/24। अगर इसने 10.1.1.1 के साथ में कम्युनिकेट करना है तो इसको पता है वो कहाँ से रिसीव हुआ है, इस इंटरफेस पे, इधर डेटा फॉरवर्ड कर देगा तो VLSM को सपोर्ट करेगा ना, ये सबनेटिंग को सपोर्ट करेगा। बट उसमें प्रॉब्लम है ना क्लास फुल वाले में, ठीक है, क्लियर, ओके। ये हो गया, डजंट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन, इसमें लिखो इट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन, ये ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक ये राउटर है और एक ये राउटर है, आपने यहां पे क्या कर दिया, ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दी। ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है, आपने यहां पे कोई पासवर्ड वगैरह क्या कर दिया, असाइन कर दिया ऑथेंटिकेशन के लिए,
कोई की वगैरह दे दी इसको, ठीक है, वो की आपने दे दी 1 2 3 4 5, और अगर इस राउटर पे सेम की दोगे आप, तभी ये राउटर क्या करेगा, अपडेट रिसीव करेगा, अदरवाइज अपडेट रिसीव, लाइक फॉर एग्जांपल इस राउटर ने इधर क्या करना है, कोई अपडेट सेंड करना है, अगर आपने सेम ऑथेंटिकेशन दी हुई है की, तब ये क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, अदरवाइज रिसीव नहीं करेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। यूजर आईडी पासवर्ड क्या करेगा, वो पासवर्ड मैच करेगा, की मैच करेगा, की मैच होगी तभी वो क्या करेगा, अपने अपडेट रिसीव करेगा, अदरवाइज अपडेट रिसीव नहीं करेगा। तो ऑथेंटिकेशन का ये मतलब होता है, अगर आपने ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी के लिए करेंगे ना, ये हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी के लिए इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि सामने वाला कोई भी राउटर कनेक्ट कर रहा है तो वो अपडेट ले लेगा, ये तो प्रॉब्लम है ना। तो आप ऑथेंटिकेशन अपने राउटर पे मेंशन कर सकते हो, तो सेम ऑथेंटिकेशन सामने वाले राउटर पे मिलेगी तभी वो क्या कर पाएगा, उस राउटर से कम्युनिकेट कर पाएगा, अदरवाइज कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ये चीज क्लियर है? तो रिवर्जन जो 1 है वो ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट नहीं करता, रिवर्जन 2 ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करेगा, फाइन। उसके बाद में इट परफॉर्म ब्रॉडकास्टिंग, ये हमेशा ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्म करेगा, मतलब रिप के कोई भी मैसेज जो भेजेगा, अपडेट वगैरह भेजेगा, उसको किस एड्रेस पे भेजेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस ये रहेगा हमेशा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, किसने बोला करेगा, ये क्या होगा यहाँ पे, लाइक मेरे पास में एक ये राउटर है और एक ये राउटर है, ठीक है, इसके पास में और भी इधर राउटर कनेक्ट है इस तरह से, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एक राउट है 1.1.1.0/24 पे, तो ये अपडेट सेंड करेगा ना इसे, तो अपडेट में सोर्स आईपी तो इस राउटर का खुद का रहेगा, इस राउटर का खुद का रहेगा सोर्स आईपी, तो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या रहेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस हमेशा ये 255.255.255.255 एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस रहेगा रिवर्जन 1 के अंदर, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं रिवर्जन 2 में, रिवर्जन 2 में लिखो इट परफॉर्म मल्टीकास्टिंग, कौन से एड्रेस पे, 224.0.0.9 एड्रेस पे, अगर आपने रिवर्जन 2 इनेबल किया हुआ है राउटर पे, अगर वो अपना अपडेट कोई राउटर के पास में सेंड करेगा तो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या रहेगा, मल्टीकास्ट एड्रेस रहेगा 224.0.0.9। तो ये कुछ डिफरेंसेस है रिवर्जन 1 में और रिवर्जन 2 में, फाइन। ये कह रहे हो, हाँ हाँ, ये फिक्स है, रिप वर्जन जो 2 है वो हमेशा ये एड्रेस यूज करेगा, मल्टीकास्ट एड्रेस, ये इस प्रोटोकॉल के लिए, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका बिहेवियर होता है, उनकी फंक्शनैलिटी ऐसे बनाई हुई है, iOS के अंदर डाली हुई है कि आपके लिए, आपने कोई भी मल्टीकास्ट करनी है तो आप इस मल्टीकास्ट एड्रेस पे क्या करोगे, सेंड करोगे, ठीक है, तो रिप कुछ यूज करेगा, OS के अलग कुछ एड्रेस यूज करेंगे, EIGRP कुछ अलग यूज करेंगे, वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इस एड्रेस पे हमेशा मल्टीकास्टिंग करता है, ठीक है, आपसे इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं, फाइन। तो अभी हम लोग रिप इनेबल करके देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 3 राउटर है यहाँ पे कनेक्टेड इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में एक लैन कनेक्टेड है जिसपे आईपी मैं यूज कर रहा हूँ 10.1.1.0/24 पे, यहाँ पे मैं एक सब नेटवर्क यूज कर रहा हूँ 20.1.1.0/24 पे, और मैं यहाँ पे एक नेटवर्क यूज कर रहा हूँ 30.1.1.0/24 पे, और मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ 40.1.1.0/24 पे यूज कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे एक यूज कर लेता हूँ 50.1.1.0/24 पे, फाइन। अब हमने ये लाइक मेरा R1 है और ये मेरा R2 है और ये मेरा R3 है,
अब मैंने इस राउटर पे क्या करना है, इन दोनों इंटरफेसिस पे क्या करना है, रिप इनेबल करना है। इन दोनों इंटरफेसिस पे क्या करना है, हमने रिप इनेबल करना है। तो हम लोग रिप कैसे इनेबल करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले R1 की बात करता हूँ, R1 config, कमांड चलाओगे राउटर रिप। जैसे राउटर रिप चलाओगे, राउटर राउटिंग मोड में चला जाएगा, राउटर ब्रैकेट में config हाइफन राउटर, और यहाँ पे कमांड चलाओगे आप कौन से इंटरफेस पे इनेबल करना है। ये लाइक मेरा फॉर एग्जांपल FA या सीरियल 1/0 है, ये मेरा FA 0/0, ये मेरा सीरियल 1/0, ये है FA 0/0, सीरियल 1/1, FA 0/0, और ये हमारा सीरियल 1/1 दे देता हूँ मैं, फाइन। तो मैंने पहले राउटर के सीरियल 1/0 पे मैंने क्या करना है, रिप इनेबल करना है। तो कैसे रिप इनेबल करोगे, रिप इनेबल करने के लिए कमांड चलाओगे नेटवर्क स्पेस, और इस इंटरफेस पे मैं कर रहा हूँ सीरियल 1/0 पे, तो उस पे नेटवर्क कौन सा यूज हो रहा है, 40 का नेटवर्क यूज हो रहा है, तो यहाँ पे बोल दो 40.0.0.0, चाहे ये बोल दो, चाहे आप ये भी बोल सकते हो, इसका सबनेट बोल दो 40.1.1.0, फाइन। तो यहाँ पे इस इंटरफेस पे रिप क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, फाइन। और इसी तरह से R1 एक दूसरे इंटरफेस पे भी क्या करना पड़ेगा, आपको रिप इनेबल करना पड़ेगा, रिप एडवर्टाइज करोगे इसके ऊपर, अगर यहां पे रिप एडवर्टाइज करोगे तभी ये वाला सबनेट जो है वो अपनी राउटिंग टेबल में भेजेगा। अब ये क्या होगा, इसकी एक राउटिंग टेबल होगी ना, कनेक्टेड नेटवर्क दिखाएगा दो, एक तो 40 का दिखाएगा और एक 10 का दिखाएगा। अगर आप इस पे रिप इनेबल नहीं करोगे तो ये अपनी राउटिंग टेबल के अंदर 10 वाला नेटवर्क इधर एडवर्टाइज नहीं करेगा। तो हमने उस इंटरफेस पे क्या करना पड़ेगा, रिप इनेबल करना पड़ेगा, ताकि वो उस इंटरफेस पे जो नेटवर्क यूज हो रहा है उसको भी एडवर्टाइज करना, अपने नेबर के साथ में शेयर करना स्टार्ट कर दे। समझ रहे हो या नहीं समझे, कौन किसको नहीं समझ में आया, ओके वेरी गुड। नेटवर्क स्पेस इसको और क्या बताना पड़ेगा, 10.1.1.0 बता दो या फिर 10.0.0.0 बता दो, ठीक है। तो इस इंटरफेस पे भी रिप क्या हो जाएगा, क्योंकि इस इंटरफेस पे मैंने आईपी क्या यूज किया हुआ है, 10 के नेटवर्क में आईपी यूज करेंगे ना हम लोग, तो इस राउटर पे क्या हो जाएगा, दोनों इंटरफेसिस पे रिप क्या हो जाएंगे, इनेबल हो जाएंगे, फाइन। हाँ बोलो, इंटरफेस को मैंने बताया नहीं, ये क्लियर है आपको। तो अगर इस राउटर पे आपने इन तीनों इंटरफेसिस पे रिप इनेबल करना है तो क्या क्या कमांड चलाओगे आप लोग बताओ मुझे। अब पहली कमांड तो सेम रहेगी, राउटर रिप। हाँ जी सर, अब आप बताओ, मैंने इस राउटर के इस इंटरफेस पे रिप इनेबल करना है, क्या कमांड चलाओगे। हाँ, अब यहाँ पे क्या दोगे आप, 40.0.0.0 बता दोगे, तो इस राउटर पे जिस इंटरफेस पे भी इस नेटवर्क में आईपी मिला हुआ है उस पे रिप क्या हो जाएगा आपका, इनेबल हो जाएगा, ठीक है, फाइन। ये चीज क्लियर है इतनी, ओके फाइन। इसी तरह से अब इस राउटर पे मैंने इस इंटरफेस पे भी क्या करना है, रिप इनेबल करना है, तो नेटवर्क स्पेस 50.0.0.0 इस इंटरफेस पे भी इनेबल करना है, तो 20.0.0.0 इसी तरह से राउटर 3 पे, फाइन। तो रिप क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। और यहां पे आपने वर्जन 1 इनेबल करना है ना, तो यहां पे एक और कमांड चला दोगे, क्यों 30 का इस राउटर पे कौन कौन से इंटरफेस है, इन इंटरफेस पे रिप इनेबल करना है ना हमने, एक तो ये बता दोगे इस इंटरफेस पे आईपी किस नेटवर्क में, इस नेटवर्क में है, तो ये बता दो मैंने यहाँ पे इनेबल करना है रिप, तो इस नेटवर्क में इस इंटरफेस पे जो आईपी है वो बता दो आप, इन दोनों इंटरफेस पे रिप इनेबल हो जाएगा। वो 40 वाला कहाँ है इसमें, क्यों बताएंगे इसको, क्यों बताएंगे इसके इंटरफेस पे, अगर यहाँ पे कोई और नेटवर्क होता तो वो भी इस पे इनेबल करना है तो बताते हम लोग,
इस पे तो नहीं है ना, वो तो यहाँ पे है ना, एक इस इंटरफेस पे और एक इस इंटरफेस पे, तो इन दोनों पे बताओगे ना, क्लियर है ये चीज। अब कोई जरूरी नहीं है आप वर्जन 1 यहाँ पे कमांड चला रहे हो, राउटिंग मोड में चलेंगे आप, चाहे जब मर्जी कमांड रन कर दो, वर्जन 1 इनेबल हो जाएगा। क्लियर है, इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इसकी। अभी हम लोग सिर्फ रिप वर्जन 1 इनेबल करके देखेंगे, देन हम लोग रिप वर्जन 2 करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्विच यूज़ कर रहा हूँ, एक एक स्विच यूज़ कर लेते हैं, और मैं पीसीज एक एक पीसी यूज़ करूँगा इन स्विचेस पे, ठीक है। उनको आईपी दे देंगे कम्युनिकेशन करवाने के लिए, चेक करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जितने मर्जी पीसीज हो सकते हैं ना, जो आप सबनेट यूज कर रहे हो उतने पीसी आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं एक पीसी यूज कर रहा हूँ कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। चलो ये लो, मैं 2 पीसी कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो हैं, अब 2 आई पी इनको दे दूंगा, एक नेटवर्क ये बन जाएगा, 2 बोत है। वैसे तो यहाँ पे हम लोग जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसमें 254 पीसीज कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इन 2 को आईपी दे दूंगा, बहुत है। अगर वो कनेक्ट करने हो तो आप लोग खुद कर लेना, जरूरत नहीं है इतने कनेक्ट करने की, हमने 2 डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवा के देखना है, बस वो हो जाना चाहिए। और इन राउटर्स को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ सीरियल 1/0 से सीरियल 1/0 पे, सीरियल 1/1 से सीरियल 1/1 पे। तो चले जाओ राउटर पे और करो इनको कॉन्फ़िगर। नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। पहले मैं इन दोनों राउटर्स पे आईपी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। टोपोलॉजी आप लोगों ने बनाई हुई है ना, आईपी लिखे हुए हैं ना सबने, ठीक है। तो इसके फास्ट इथरनेट पे आईपी क्या देना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे 10.255.255.255. नो इंटरफेस सीरियल 1/0 पे क्या देना है, 40.1.1.1 दे रहा हूँ, और 2 नेक्स्ट वाले को दे देंगे। नो शटडाउन, क्लॉक रेट देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, सीरियल है ना हमारा ये, इतना सबको क्लियर है। राउटर 1 पे हमने आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर दिए, ठीक है। अब आ जाओ राउटर 2 पे, राउटर 2 पे आपने क्या करना है, तो चलो फिर R2 पे। नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी एड्रेस मैं 1/0 वाले पे आईपी दे रहा हूँ, तो इसको क्या देना है आईपी एड्रेस 40.1.1.2.255.255.255.0 और नो शटडाउन। इसको क्लॉक रेट देने की जरूरत नहीं है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेसेस 255.255.255. नो शटडाउन, एग्जिट इंटरफेस सीरियल पे चले जाओ 1/1, इस पे हूं मैं अभी, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या दोगे 50.1.1.1.255.255.255.0। नो शटडाउन कर दो इसको भी, और क्लॉक रेट भी दे दो इसको, फाइन। अब आ जाओ R3 पे, नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथर सीरियल पे जा रहा हूँ मैं, पहले सीरियल 1/1, आईपी एड्रेसेस 50.1.1.2.255.255.255.
जीरो और नो शट डाउन, एग्जिट हो जाओ, इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0 पे आ जाओ। आईपी एड्रेस इस पे क्या है 30.1.1.1.255.255.255.0 और नो शट डाउन। मैंने राउटर के इंटरफेसिस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड आप चलाते हो आईपी चेक करने के लिए, आईपी देख सकते हो आप। इसी तरह से बाकी मशीन बाकी राउटर्स पे आईपी चेक कर सकते हो आप, आईपी इंप्लीमेंट है या नहीं है, पोर्ट आपकी इनेबल है या नहीं है। मेरे सारे पोर्ट्स इनेबल हो गए हैं सारे राउटर पे। अब मैं इन पीसीज को आईपी देता हूँ। इस पीसी को किस नेटवर्क में आईपी देना है, 10K नेटवर्क में आईपी देना ना। तो चलो इस पीसी पे 10.1.1.2 दे रहा हूँ मैं इसको, सबनेट मास्क 255.255.255.0 10.1.1.1 इसके लिए क्या बन जाएगा डिफॉल्ट गेटवे। इसी तरह से इस पीसी पे चले जाओ 10.1.1.2 सॉरी 3 सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे। इसी तरह से इस पीसी पे चले जाओ, ये आईपी डिफॉल्ट गेटवे बन जाएगा ना हमारे राउटर का। इसको दे दो आईपी, इसको दे दो आईपी 20.1.1.2 255.255.255.0 20.1.1.1 इसका सबनेट मास्क सॉरी डिफॉल्ट गेटवे। और आईपी एड्रेस इसका क्या दोगे 20.1.1.3 255.255.255.0 20.1.1.1.1 ठीक है। अब आ जाओ इस पे, इसको किस में देना है 30 के नेटवर्क में, चलो दे दो फिर। क्यों नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा कैसे करेगा, इस पे डिफॉल्ट गेटवे क्या रहेगा 30.1.1.1 और इस पीसी पे आ जाओ, इस पे आईपी यूज करो 30.1.1.3 255.255.255.0 30.1.1.1 ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे हूँ इस पीसी पे, मैं इस पीसी से कम्युनिकेट करता हूँ 30 वाले को, 30.1.1.2 को रिप्लाई दे रहा कौन, मेरा राउटर रिप्लाई दे रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है राउटर के पास में ना, अपना डिफॉल्ट गेटवे चेक कर रहा, तो ये अपनी राउटिंग टेबल चेक करके आगे पैकेट फॉरवर्ड करेगा, इसके पास में वो 30 का राउट ही नहीं आगे कैसे फॉरवर्ड कर देगा। तो अब हमने क्या करना है, सबके ऊपर रिप इनेबल करना है, इस इंटरफेस पे भी इस इंटरफेस पे भी। अब जब दोनों पे इंटरफेसिस पे मैं रिप इनेबल कर दूंगा तो वो अपनी राउटिंग टेबल को शेयर करेगा इस राउटर के साथ में, तो और ये राउटर भी इन पे इनेबल कर दूंगा तो ये राउटर भी इनके साथ में शेयर करने लग जाएंगे। अब मैं जिस इंटरफेस पे रिप इनेबल करूंगा सिर्फ उसी इंटरफेस का नेटवर्क ही राउटिंग टेबल में क्या होगा, जब शेयर करेगा तब जाएगा। अगर मैंने ये वाला नहीं किया तो ये वाला फिर सबनेट जाएगा नहीं उसके साथ में, वो वाला नेटवर्क जाएगा नहीं, तो इस इंटरफेस पे भी इनेबल करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर इस नेटवर्क की बाकियों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, प्रॉब्लम आ जाएगी ना वो। तो चलो फिर राउटर वन पे चलते हैं हम लोग। कैसे इनेबल करोगे राउटर रिप, वर्जन वन नेटवर्क इज, मैं इसको दे रहा हूँ लाइक 10.1.1.0 दे रहा हूँ एंटर, और नेटवर्क ऊपर वाले को मैं 40.1.1.0 देना है, लेकिन मैं इसको भी क्या दे रहा हूँ, इसको मैं दे रहा हूँ 40.0.0.0 दे रहा हूँ। मैंने दोनों पे क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। हम आउटपुट दिखा देता हूँ इस प्रोटोकॉल की, कैसे चेक कर सकते हो आप, शो आईपी प्रोटोकॉल्स, ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि इस राउटर पे प्रोटोकॉल रन हो रहा है एक रिप। अगर मैंने चेक करना है इस राउटर पे कौन सा प्रोटोकॉल रन हो रहा है रिप, कौन कौन से नेटवर्क के लिए आपने रिप इनेबल किया है, मैंने वहां पे तो क्या दिया था 10.1.1.0 दिया था, बट इसने क्या उठा लिया, मैं इसीलिए बोल रहा था अगर वहां पे आप पर्टिकुलर भी दे देते तो भी यहां पे क्या उठा लेता, ये उठा लेता ठीक है। और यहां पे वर्जन कौन सा इनेबल है इसमें, वर्जन वन इनेबल है ठीक है। और ये देखो इसके टाइमर दिखा रहे हैं,
और ये देख लो अपडेट टाइमर दिखा रहा है और नेक्स्ट अपडेट इतने सेकंड बाद में आएगा, ठीक है 8 सेकंड हो गए थे, इतने सेकंड बाद में नेक्स्ट अपडेट आएगा। ये डिस्क ड्रॉबैक कैसे करते हैं, पूरे आईडी डाल देता है तो बैठेगा, अरे काम ही ऐसे करता आपका ड्रॉप बोल सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम पाथ मैंने बताया था 4 को सपोर्ट करता है बाय डिफॉल्ट, यहां पे आ रहा है, ठीक है। ये इतनी चीज बाय डिफॉल्ट इसकी एडी वैल्यू क्या है 120, तो मैंने इस पे राउटर पे क्या कर दिया, रिप इनेबल कर दिया। अब किस पे रिप इनेबल करना है आपने, R2 पे। सर मैक्सिमम पाथ पढ़ा भी सकते हैं एक नहीं रहती, कल क्या बताया था मैंने, वो बाय डिफॉल्ट होता है ना 4, उसको हम लोग कितना तक बढ़ा सकते हैं। ओके इस पे करो रिप इनेबल, राउटर रिप वर्जन इज 1, तो नेटवर्क बता दो इसको, इस पे कौन कौन से, एक 40 का है और एक इस पे किसका है 50 का भी है और एक इंटरफेस पे आईपी है इसके पास में 20 के नेटवर्क में, ये लो इस पे भी इनेबल हो गया। एग्जिट कर लो, आ जाओ इस पे R3 पे, राउटर रिप वर्जन 1, नेटवर्क इज एक, तो इस ये कौन सा राउटर है, लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला राउटर है, श्योर ये लास्ट वाला राउटर है ना, इस पे हमने गलती कर दी। राउटर रिप, अब देखो मैंने इस पे गलत कमांड रन कर दी 2-3, इसको 20 का तो बताना है, हम लोग कौन से राउटर पे हैं, 30 का बताना है, इस पे 20 का नहीं बताना ना, R3 पे हम लोग, ये तो इसको नो कर दो आगे। और इस पे एक 40 का भी नहीं बताना, मैंने फालतू में बता दिया इसको, पता नहीं चला गलती से, मैंने इसको R2 समझ के बता दिए थे। और नो ना करोगे तो फालतू में वो क्यों एडवर्टाइज करोगे आप, उस पर वो इंटरफेस ही नहीं है। और चेक कर लेते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल्स, इस पर 50 का है, 30 का कर देते हैं, इस पर 50 का दिखा रहा है ना, इस पर 30 का करना है हमने इस पर, क्योंकि R3 आपका, तो राउटर रिप वर्जन 1 इज ऑलरेडी इनेबल्ड, फाइन, सो नेटवर्क 30.0.0.0 इनेबल हो गया। अब R2 पे हमने नहीं किया ना, R1 पे, तो R0 R1 R2, ये कौन सा है, शो आईपी प्रोटोकॉल R0 है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये R2 है, हमने पूरी कॉन्फ़िगरेशन गलत कर दी। ये कौन सा है, एक काम करो कंफ्यूज नहीं होना है, इस राउटर पे जाता हूँ मैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम राउटर 1, अभी ठीक है। अब इस वाले राउटर पे आते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर सॉरी होस्ट नेम राउटर 2, इस वाले राउटर पे आ जाओ, एग्जिट करो सॉरी कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर होस्ट नेम राउटर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चले जाओ R1 पे, मैं यहाँ पे शो आईपी प्रोटोकॉल चेक कर लेता हूँ, इस पे कौन कौन से हमने इनेबल किया है, शो आईपी प्रोटोकॉल्स, इस पे हमने इनेबल ही नहीं किया अभी तक कुछ भी, तो यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल इनेबल दिखाई नहीं रहा ना इस पे, तो हम लोग इस पे इनेबल करते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रिप वर्जन 1, नेटवर्क क्या बताओगे, एक किसको 10 का पता है और एक किसको किसका पता है, एक इस पे 40 के नेटवर्क में है तो 40 बता देते हैं। अब आ जाओ R2 पे, R2 पे अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ शो आईपी प्रोटोकॉल्स, इस पे मैंने 10 और 40 बता दिया, इस पे 40 का तो बताना है, 10 का नहीं बताना ना, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, क्योंकि 10 के नेटवर्क में कोई है ही नहीं, इस पे राउटर
रिप वर्जन इज 1 नेटवर्क 10 का नहीं बताना था ना इसपे, तो ये लो फिर आगे 9 लगा दो इसके। तो इसको नेटवर्क कौन कौन से बताने हैं, 40 बताए ना इसको, एक तो 50 बताने और एक 20 बताने। ये लो एक 50 भी बता दो इसको। अब चेक कर सकते हो R2 पे हम लोग शो IP प्रोटोकॉल्स, फाइन क्लियर है। अब एक काम करते हैं, अब इसकी राउटिंग टेबल चेक कर लेता हूँ R1 की। शो IP प्रोटोकॉल्स, सॉरी शो IP, शो IP राउट्स। तो इसके पास में बाकी राउट्स आ गए ना। अब देखो एक यहाँ पे 30 का राउट था, ये 30 का राउट देगा किसको, इस राउटर को। तो ये हॉप काउंट लगा के भेजेगा क्या, हमेशा क्या लगा के भेजेगा, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है ना, बताया था हॉप काउंट लगा के भेजेगा। ये हॉप काउंट लगा के भेजेगा 1। तो इसकी राउटिंग टेबल में वो 10 का नेटवर्क जो हॉप काउंट 1 से होगा, दिखा देता हूँ। शो IP राउट, 30 का जो नेटवर्क है मेरा, ये क्या दिखा रहा है, मैट्रिक दिखा रहा है, मैट्रिक क्या हॉप काउंट 1, और ये क्या दिखा रहा है, उसकी AD दिखा रहा है रिप की, 120 से आ रहा है मतलब रिप से आ रहा है ये, और मैट्रिक क्या उसकी 1, मतलब हॉप काउंट बीच में कितना है, एक हॉप के बाद में ये मेरा नेटवर्क है। अब ये 30 का नेटवर्क अगर मैं इस राउटर पे चेक करूं, इस पे कितना आ रहा है, ये इसके थ्रू जा सकता है, इसके थ्रू बीच में राउटर कितने हैं, 2 राउटर है मैट्रिक जो है, बताया था ना जब भी अपडेट सेंड करेगा तो मैट्रिक लगा के भेजेगा उस अपडेट के साथ में। क्लियर है ये चीज, ओके फाइन। अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये आपका क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये कभी भी अपने अपडेट के साथ में सबनेट मास्क सेंड नहीं करेगा। प्रूफ करें, चलो इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं इस राउटर पे, अब मुझे अपडेट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा ना, ये तो सारे बैकएंड में क्या चल रहे होंगे, अपडेट चल रहे होंगे, एक्सचेंज हो रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मैं राउटर पे एक डिबगिंग कमांड चला के उसको चेक कर सकता हूँ। तो मैं इस पे डिबगिंग चला रहा हूँ, एक कमांड है ट्रबल शूटिंग के लिए यूज होती है, डिबग IP रिप इवेंट्स। मैं जैसे ही ये कमांड रन करूंगा डिबगिंग ऑन हो जाएगी और रिप के जो भी अपडेट्स मैसेज आ रहे हैं वो मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाने लग जाएगा। तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ इसके पास में आप देखो कुछ अपडेट्स आएंगे, 30 सेकंड के बाद में अपडेट आएगा और एक सेंड भी करेगा। ये क्या किया इसने, रिसीव किया है और सेंड भी करेगा, देखना। सेंड भी कर दिया, मैं इसको अनऑल कर देता हूँ, अनडिबग ऑल। डिबगिंग क्या होगी, ऑफ होगी। अब देखो यहाँ पे ये मैसेजेस दिखाता हूँ मैं आपको क्या हुआ, ये देखो इस राउटर ने क्या किया, रिसीव वर्जन 1 अपडेट फ्रॉम, सामने वाले राउटर का IP ही है ना, और मेरे सीरियल 1/0 पे एक अपडेट रिसीव हुआ है। उस अपडेट में नेटवर्क्स आए हैं कौन कौन से, 20 का एक होप से, 30 का 2 होप से, 50 का 1 होप से, और ये देखो उसने सबनेट मास्क साथ में नहीं भेजा, सबनेट मास्क साथ में लगा के भेजा यहाँ पे /255255255.0 ऐसा कुछ, या फिर /24 ऐसा कुछ नहीं भेजा ना। और इसने भी इसको क्या कर लिया, और वो भी क्लास फुल भेजा, देख लो यहाँ पे वो उसको 20.1.1.0 नहीं भेजा, अगर ऐसे भेजता तो वो 24 पे रिसीव कर लेता ना ये, बट इसको किस में मिला है। मैं इसकी राउटिंग टेबल में भी देख लो, राउटिंग टेबल में भी क्या आ रहे हैं, फुल आ रहे हैं। शो IP किस में आ रहे हैं, फुल आ रहे हैं, /8 पे रख लिया इन्होंने अपने राउटिंग टेबल में, क्योंकि सबनेट मास्क साथ में आया ही नहीं। क्लियर है ये चीज, ओके। तो ये तो इसने रिसीव किया था, फिर इसने क्या किया है, एक अपडेट सेंड किया है किस पे, और हाँ मैंने आपको यह भी बताया था ये हमेशा अपडेट को क्या करेगा,
ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ये 255.255.255 है, और ये कौन से इथरनेट पे कर रहा है सेंड? फास्ट इथरनेट 0/0 पे। तो 10 वाले नेटवर्क के लिए कर रहा है, 10 वाले नेटवर्क के लिए नहीं कर रहा है, फास्ट इथरनेट 0/0 पे जो भी डिवाइस कनेक्ट है उसकी तरफ एक उसने क्या भेज दिया, अपडेट सेंड कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है, जो भी है, ठीक है, और उसके अंदर ये नेटवर्क भेज रहा है ये विदाउट सबनेट मास्क, इतने नेटवर्क भेज दिए, फास्ट इथरनेट 0/0 पे भेजा है, याद रखना। उसके बाद में देखो ये एक अपडेट सीरियल 1/0 की तरफ भी सेंड कर रहा है, और उसके अंदर सिर्फ कौन सा भेज रहा है, बट बाकी तो भेजे नहीं इसने सीरियल 1/0 पे। जैसे इस पे 40 का भी तो मैंने इनेबल किया था, 40 नहीं भेजा इसने, सिर्फ 10 वाले ही भेज रहे हैं, सिर्फ 10 वाले ही भेज रहे हैं। तो होता क्या है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है स्प्लिट होराइजन का, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। एक स्प्लिट होराइजन का फीचर क्या होता है, ये इनेबल्ड होता है इंटरफेस पे रिप के लिए। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल रिप के अंदर अगर स्प्लिट होराइजन में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इनेबल रहेगा जो भी अपडेट भेजेगा, तो ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये दो राउटर है, फाइन, यहां पे एक नेटवर्क था कौन सा 10.1.1.0 का /8 पे इसने राउटिंग टेबल में सेव किया हुआ है, और यहां पे है एक 30.0.0.0 का स्लैश अपनी 8 में राउटिंग टेबल में उसने सेव किया हुआ है, फाइन, और यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं 40.0.0.0 का, यही हो रहा है। इसने क्या किया, ये जब भी अपना अपडेट जब इस इंटरफेस से निकाल रहा है, इसने इंक्लूड क्या किया है, 10.0.0.0 ही इंक्लूड किया है राउटिंग टेबल में। इसकी राउटिंग टेबल में कौन कौन से नेटवर्क होंगे डायरेक्टली कनेक्टेड, एक तो 10 का होगा और एक 40 का होगा, दोनों का होगा, बट ये सेंड कौन सा कर रहा है, सिर्फ 10 वाला। तो स्प्लिट होराइजन का रूल क्या बोलता है, स्प्लिट होराइजन का रूल ये बोलता है, ये जिस इंटरफेस से अपडेट सेंड करेगा, जिस इंटरफेस से अपडेट सेंड करेगा, उस इंटरफेस पे जिस नेटवर्क में आईपी एड्रेस दिया हुआ है, वो वाला नेटवर्क कभी भी एडवर्टाइज नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो यहां पे यूज कर रहा हूं सबनेट वही यहां पे यूज हो रहा होगा, तो इसको भी तो उसकी इंफॉर्मेशन है, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब जिस एग्जिट जिस इंटरफेस से वो अपडेट निकालेगा, उस इंटरफेस पे जो नेटवर्क यूज हो रहा है, जिस नेटवर्क में आईपी दिया हुआ है, उस नेटवर्क को अपने अपडेट में कभी भी सेंड नहीं करेगा, फाइन। इसीलिए मैंने आपको दिखाया सीरियल 1/0 पे इसने सिर्फ वो 10 वाला ही सेंड कर रहा था, दूसरे सेंड नहीं किए, क्लियर है ये चीज। इसकी राउटिंग टेबल बनेगी, इसकी राउटिंग टेबल में एक तो 30 का नेटवर्क आ गया, इसके पास में 40 का ऑलरेडी है, और एक इसके पास में 10 का भी आ गया रिप के थ्रू। अब ये राउटर जब अपडेट इसको सेंड करेगा, एक तो ये 40 का नहीं इसमें ऐड करेगा क्योंकि ये इसके इंटरफेस पे है, और एक ये वो नेटवर्क नहीं इसमें अपडेट सेंड करेगा जो नेटवर्क इसको जो अपडेट इसको यहां पे रिसीव हुआ है, हाँ, जैसे 30 का नहीं सेंड करेगा, और एक दूसरा क्या नहीं सेंड करेगा, जो नेटवर्क इसको इस इंटरफेस पे रिसीव हुआ है वो कभी भी वापस इस पे एडवर्टाइज नहीं करेगा। तो इसमें इंक्लूड कौन सा करेगा, सिर्फ 30 का, 10 भी इंक्लूड नहीं करेगा, क्लियर है, किसको नहीं क्लियर है अभी बताओ, अभी दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है, मैं एक राउटर हूँ, एक ये राउटर है, मैंने इसको रिप पढ़ा दिया, ये रिप मुझे दोबारा पढ़ाएगा, ये मुझे रिप दोबारा पढ़ाएगा क्या, नहीं पढ़ाएगा ना, मेरे पास में एक 10 का नेटवर्क है, मैंने इसको बता दिया, इसने उसे इंटरफेस पे रिसीव किया, वो मुझे वापस कभी नहीं बताएगा, वही हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है, बट उसको नहीं पता रिप का, ये उसको बताएगा ना, आगे भेज देगा लेकिन मुझे नहीं बताएगा, फिर वो वाला राउटर वो वाला 10 वाला नेटवर्क कभी से नहीं देगा वापस, ये चीज क्लियर। मैं इस राउटर को नेटवर्क बता रहा हूँ,
मेरे इस इंटरफेस पे जो नेटवर्क यूज हो रहा है, जिस नेटवर्क में आईपी है, उस अपडेट में मैं वो वाला नेटवर्क कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सामने जो है मेरा जो राउटर जो कनेक्टेड है उस पर भी उसी नेटवर्क में आईपी मिला होगा, तो उसकी उसकी भी इंफॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी, होगी, उसको क्या बताने की लोड है। ये स्प्लिट होराइजन का रूल बोलते हैं, इसलिए देख लो, दोबारा अपडेट देख लो यहाँ पे। यही था क्या? R2 R1, ये रहा, ये देख लो, अपडेट सेंड किया था इसने सीरियल 1/0 पे, सिर्फ इंक्लूड कौन सा किया, इसने फास्ट इंटरनेट पे, ये देखो फास्ट इंटरनेट पे भी सेंड किया इसने, बट इसमें इंक्लूड कौन सा कर रहा है, 20, 30, 40, 50 जो भी राउटिंग टेबल में है आगे सेंड कर रहे ना, बट इसने इंक्लूड कौन सा नहीं किया, 10 नहीं किया। समझे कि नहीं समझे, कौन नहीं समझा ये? सर इसने जो सेंड कर दिया वो कहीं पीसी या स्विच पे, ये बोल रहे हैं कि R2 पे डिबग कमांड चलाओ, ये लो फिर चलो R2 पे डिबग आईपी रिप इवेंट, दो रिसीव कर लिए, दो इंटरफेस पे सीरियल वालों पे, फास्ट इंटरनेट पे रिसीव वैसे ही नहीं करेगा क्योंकि सामने राउटर तो है नहीं कोई, सेंड कर देगा, लेकिन उसने सेंड कर दिया, मैं इसको अनोल कर रहा हूं, अनोल कर दिया, ये देखो इसने रिसीव किया एक अपडेट सीरियल 1/1 पे, तो सीरियल 1/1 देख लो कौन सा है, 1/1 पे क्या किया है, रिसीव किया है, तो कौन सा रिसीव करना चाहिए, सिर्फ 30 वाला देख लो, 50 वाला तो रिसीव करेगा नहीं, यही था ना, नहीं ये नहीं था, ये था, ये नहीं था, ये था, सिर्फ 30 वाला रिसीव किया, और एक सीरियल 1/0 पे भी रिसीव किया, सिर्फ 10 वाला रिसीव किया, और इसने क्या किया है, सीरियल 1/0 पे इसने क्या किया, सेंड किया 1/0 R1 की साइड में, R1 की साइड में देखो 20 वाला इंक्लूड कर दिया क्योंकि उसके खुद की राउटिंग टेबल में था, 30 वाला इंक्लूड कर दिया R3 से रिसीव किया था, 50 वाला इंक्लूड कर दिया मेरे खुद की राउटिंग टेबल में पड़ा है वो, और मैंने फॉरवर्ड कर दिया किस पे, R1 की साइड में, 40 वाला इंक्लूड नहीं किया, देख लो क्यों नहीं किया, क्योंकि उस इंटरफेस पे 40 का नेटवर्क यूज हो रहा है, 10 वाला इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उस इंटरफेस पे मुझे वो 10 वाला रिसीव हुआ था, कौन नहीं समझा, क्लियर है। इसी तरह से इसने फास्ट इथरनेट पे सेंड किए, फास्ट इथरनेट पे देख लो कौन कौन से सेंड किए, ये सारे किए, सिर्फ 20 का इंक्लूड नहीं किया क्योंकि 20 का उस नेटवर्क पे क्या हो रहा है, उस इंटरफेस पे यूज हो रहा है, ये देख लो, फाइन, क्लियर है। अब एक चीज और, ये तो चलो आपको डिबगिंग से हमको पता चल गया, मैंने आपको आउटपुट दिखा दिया किसका, स्प्लिट होराइजन का रूल, कैसे ये अपडेट सेंड करता है, कौन सा इंक्लूड करेगा और कौन सा इंक्लूड नहीं करेगा। अब बात करते हैं इन लैन की, ये राउटर क्या कर रहा है, ये राउटर फालतू में क्या कर रहा है, फास्ट इथरनेट पे अपडेट सेंड कर रहा है, फालतू में कंजेशन हो रहा है, मुझे पता है जब यहां पे कोई राउटर है ही नहीं, मैं वहां पे क्यों अपडेट सेंड करूं, अपडेट किसको शेयर करने होते हैं, राउटर के साथ में शेयर करेगा ना, मैं यहां पे क्यों सेंड करूं भाई फास्ट इथरनेट पे। तो एक चीज और होती है हमारे पास में, पैसिव इंटरफेस, ये मेरा लैन है, स्विच लगा हुआ है, अब ये राउटर क्या करेगा, अपडेट यहां पे भी सेंड करा और यहां पे भी सेंड करा, यहां पे फालतू में क्यों सेंड करे भाई ये। तो हम लोग इस इंटरफेस को क्या बना सकते हैं, इस इंटरफेस को मैं पैसिव इंटरफेस बना दूंगा। अगर आप इस इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बना दोगे तो होगा क्या, ये कभी भी अपडेट सेंड नहीं करेगा उस इंटरफेस पे, जिस इंटरफेस को मैंने पैसिव इंटरफेस बना दिया उस इंटरफेस पे रिप कभी भी अपडेट सेंड नहीं करेगा, बट रिसीव
कर सकता है अगर वहां पे कोई राउटर वगैरह लगा हुआ है तो। अब मुझे पता है वहां पे कोई राउटर वगैरह है ही नहीं, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, पैसिव इंटरफेस बना देंगे। फाइन, तो जितने भी मेनली हम लोग क्या करते हैं, पैसिव इंटरफेस किनको बनाते हैं, जो इंटरफेस मेरे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट है उनको हम लोग क्या बना देते हैं। मुझे पता है वहां पे मैंने कोई अपडेट तो शेयर करना ही नहीं, कोई राउटर तो है ही नहीं, ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे पैसिव इंटरफेस वो देख लो। पैसिव इंटरफेस बनाने के लिए मैं राउटर पे आया, R2 पे हूं, तो R2 पे देखो इसने क्या किया, फास्ट इथरनेट पे अपडेट सेंड किया था ना, ये देखो मैं इसको पैसिव इंटरफेस बना दूंगा, अपडेट सेंड नहीं करेगा फिर ये इस पे। तो चलो कॉन्फिगर टर्मिनल राउटर रिप, पैसिव इंटरफेस पे कैसे बनाओगे, पैसिव इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 ये कमांड चलेगी, और मैंने एंटर जैसे ही किया, मैं अब दोबारा एग्जिट करता हूं, दोबारा एग्जिट करता हूं, शो डिबग आईपी रिप इवेंट्स। यस ने क्या किया, सेंड किए ना, सेंड किस पे किए, सीरियल 1/0 पे, फास्ट इथरनेट पे इस बार नहीं किए इसने, अभी कंजेशन नहीं होगा ना, क्लियर है ये चीज। तो जितने भी हमारे फास्ट इथरनेट होते हैं उनको हम लोग क्या बना लेंगे, ऐसे। एक चीज और मैं इसको अनरोल कर देता हूं, मैंने आपको ये बताया कि स्प्लिट होराइजन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनेबल होता है, इसलिए वो अपडेट नहीं देता, वो इंक्लूड नहीं करता कुछ अपडेट्स। मैं उसको अगर आपको आउटपुट भी दिखा दूंगा कि हाँ सच में ये ऐसे ही काम कर रहा है। मैं इस इंटरफेस को क्या करता हूं, मैं इस इंटरफेस को राउटर के R1 के सीरियल 1/0 पे स्प्लिट होराइजन ऑफ कर देता हूं, डिसेबल कर देता हूं। एक तो ये भी पता चल जाएगा कि कैसे डिसेबल करते हैं और इनेबल करते हैं, और साथ में इसकी वर्किंग भी पता चल जाएगी। अभी फिर ये क्या करने लग जाएगा, इस इंटरफेस से ये वाला अपडेट भी सेंड करने लग जाएगा जो इसकी राउटिंग टेबल में है, और जो रिसीव किया है वो भी सेंड करने लग जाएगा। देखें ये, चलो फिर R1 पे आ गया, R1 पे ओ कमांड नहीं चलेगी, इंटरफेस सीरियल 1/0। चल गए, आईपी स्प्लिट होराइजन इसके आगे लगा दो, नो आईपी स्प्लिट होराइजन। मैंने इसको क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, मैंने इसको क्या कर दिया, डिसेबल। और मैं यहां पे अभी डिबगिंग ऑन कर देता हूं, डिबग आईपी रिप और इवेंट्स। ये देख लो जरा, 20 इंक्लूड कर दिया, 30 इंक्लूड कर दिया, और 50 भी इंक्लूड कर दिया। ये देखो 500 इंक्लूड कर दिए इसने, इसने क्या कर दिया, मैंने स्प्लिट होराइजन डिसेबल कर दिया, तो डिसेबल करते ही इसने सीरियल देखो 1/0 पे देखो जो अपडेट सेंड कर रहा है, सेंड कर रहा है ना, ये सेंड कर रहा है, तो 10B 20 30 40 50 सारी सेंड कर रहा है जो उस इंटरफेस से रिसीव हो रहे हैं, और जो इस इंटरफेस पे आईपी जो नेटवर्क है वो भी सारे कर रहा है सामने आपके। कमांड बता दूंगा, आउटपुट देख लो, आउटपुट दिख गया, स्प्लिट होराइजन ऐसे काम कर रहा है, सबको पता चल गया ना। ओके, कमांड देख लो, कमांड कैसे यूज होगी, इंटरफेस पे चले जाओ, ऑफ डिसेबल करना है तो नो लगा दो, इनेबल करना है तो, मैंने वापस इसको इनेबल कर दिया, क्लियर है, फाइन। इसमें कोई डाउट हो किसी को, ओके वेरी गुड, समझदार हो आप लोग सारे। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस पे हम लोग रिवर्जन 2 इनेबल करते हैं, ठीक है। तो रिवर्जन 2 इनेबल करने के लिए कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पे वर्जन चेंज कर देना है,
आर टू पे हूँ मैं, आर वन पे चले जाओ, पहले आर वन पे आ गए हम लोग, और यहाँ पे एग्जिट हो जाओ इससे, राउटर रिप वर्जन इज व्हाट, बाकी सब सेम रहेगा, नेटवर्क वगैरह हमने इसको बताए हुए, आर टू पे चले जाओ, नेटवर्क वगैरह वैसे ही बताना है सब कुछ, और वहां पे बताते टाइम क्या कर दो, रिप वर्जन टू कर दो, लास्ट वाले राउटर पे चले जाओ आर थ्री पे, वर्जन इज टू, राउटिंग टेबल चेक कर लें इसकी, मैं पहले इशू आईपी प्रोटोकॉल दिखा देता हूं, ठीक है, देखो यहां पे हमने वैसे तो इसको 30.0.0.0 ही बताया था, 50.0.0 ही बताया था, बट आर वन पे मैंने उसको ऐसे नहीं बताया था, एक को तो हमने 1.1. वैसे बताया था इशू आईपी प्रोटोकॉल, लेकिन ये क्या उठाएगा, ऐसे ही उठाएगा, ठीक है क्या, ओके okay, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने डिफरेंस बताया था दोनों में क्या, सबनेट मास्क सेंड करेगा तो ऑब्वियस ही बात है वो VLSM को सपोर्ट कर जाएगा, ठीक है, और मल्टीकास्ट करेगा तो देख लो फिर डिबग, राउटिंग टेबल को क्लियर करने के लिए कमांड चलती है क्लियर आईपी राउट स्टार, इसे राउटिंग टेबल क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, और जो नया अपडेट आने के हो जाएंगे, ये नया अपडेट सेंड करेगा और रिसीव करेगा, तो मैं इसको एंटर करता हूं, ठीक है, शो आईपी राउट, अभी अपडेट आया नहीं ना, क्योंकि उसने अपडेट भेज दिया था 30 सेकंड में, तो अभी टाइम पड़ा होगा थोड़ा, तो जैसे ही 30 सेकंड होगी नेक्स्ट, तब राउटर सामने वाला अपडेट भेजेगा ना, इसके पास में देखो अपडेट आ जाएंगे, आगे आगे अपडेट फिर भी किस पे आ रहे हैं, स्लैश 8 पे रिसीव कर रही है, अब इसका क्या मतलब हुआ, बाय डिफॉल्ट ये भी क्या करेगा, रिप वर्जन 2, आपने वर्जन 1 ऑफ कर दिया था, ठीक है, सेंड रिसीव क्या कर रहा है, वर्जन 2 इनेबल है ना, जो लास्ट टाइम कमांड दोगे वर्जन 1 या 2 वो रखेगा ये, ठीक है, वो क्लियर करने की जरूरत नहीं है, फाइन, अभी देखो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये भी क्या भेजेगा, इसमें एक ऑटो समरी होती है, क्या होती है, इसमें ऑटो समरी इनेबल होती है, इसमें ऑटो समरी का क्या मतलब हुआ, अगर ये राउटर है, इस राउटर पे यहाँ पे इंटरफेसेस लगे हुए हैं बहुत सारे, यहाँ पे है 10.1.1.0/24 का नेटवर्क है, यहाँ पे 10.1.1.2.0/24 का है, यहाँ पे 10.1.3.0/24 का है, यहाँ पे 10.1.4.0/24 का है, अब ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है राउटर, जब भी कोई अपडेट देगा ये इंडिविजुअल नहीं भेजेगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटो समरी है, ऑटो समरी मतलब सारे राउट्स को क्या बना देना, एक राउट बना देना, यहाँ पे चाहे जो मर्जी 10 का नेटवर्क है वो क्या भेजेगा, 10.1.1.0/8 पे भेजेगा, सबको समराइज करके भेजेगा वो, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क तो भेज रहा है बट बाय डिफॉल्ट क्या भेज रहा है, अब फिर रिवर्जन 2 का बेनिफिट क्या हुआ, वो तो क्लास फुल की तरह ही काम कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे, 24% ये सारे किसके पार्ट हैं, ये सारे किसके पार्ट हैं, इस एक सबनेट के सारे पार्ट हैं, इनका सब मेन सबनेट क्या है इनका, ये होता है ना, हम लोग इनको क्या कर देते हैं, मल्टीपल में डिवाइड कर देते हैं, समरी का क्या मतलब होता है, समरी का मतलब ये होता है कि इन सबको वापिस से क्या बना देना, एक बना देना,
ठीक है, क्लास सी का नेटवर्क रहता तो क्लास सी का भेजता /24 पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑटो समरी इनेबल होती है, इसलिए वो क्या कर देता है, उनको एक सबको एक बना के भेज रहे हैं, एक ही भेज रहा है ना, वो आपके सामने था अभी, /24 वाला किस पे भेज रहा है, 8 पे भेज रहा है। मैं चाहता हूं कि ये नहीं, सबनेट मास्क साथ में भेजना चाहिए इंडिविजुअल, ये यहाँ पे दो सबनेट हो रहे हैं तो दोनों को अलग अलग भेजे। उस अपडेट में क्या जाना चाहिए, 10.1.1.0 का भी जाना चाहिए, 10.1.1.2.0 का भी जाना चाहिए, और /24 पे जाने चाहिए दोनों इंडिविजुअल जाए। मैं चाहता हूं ये ऑटो समरी नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको क्लास लेस बनाने के लिए नो ऑटो समरी आपको इनेबल करनी पड़ेगी। फाइन, चलो फिर वर्जन वन क्लास लेस सपोर्ट करता है क्या, क्या बोला था मैंने, नहीं करता ना, इसमें भी नहीं था, नहीं होगी। ओके, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, मैं पहले जा रहा हूँ R1 पे, R1 पे चलेंगे, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रिप, इस पे ऑटो समरी कमांड इनेबल होती है बाय डिफॉल्ट, मैं इसको क्या कर दूंगा, नो ऑटो समरी, ताकि वो अब उनको एक बना के ना भेजे, इंडिविजुअल भेजे। तो राउटर रिप नो ऑटो समरी, कॉन्फिगर टर्मिनल राउटर रिप नो ऑटो समरी। अब चलो R1 पे वापस, मैं इस पे कमांड चलाता हूं, डिबग आईपी रिप इवेंट्स। अब ये /24 पे भेजेगा, वो समराइज करके नहीं भेजेगा, थर्टी वाला अभी भी 8 पे आया ना, क्योंकि उसने अपडेट भेज दिया हुआ था, कौन से राउटर के पास में, राउटर 2 के साथ पास में, मैंने वहां पे उसके बाद में क्या किया है, नोट ऑफ समरी चलाई, तो नेक्स्ट अपडेट में क्या आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा 30 वाले में भी। मल्टीकास्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ये 30 वाला 24 पे आ गया ना, 30 वाला भी आ गया ना, कहां पे आ गया, 50 वाला 8 पे आ रहा है, 24 पे आ रहा है, मैं इसको अनरोल कर देता हूं, ये लो आ रहे हैं अभी 24 पे, ये दिखाई दे रहा है सबको, है ना, ये पुराने वाला अपडेट है इसका, ठीक है। चलो ये काम करते हैं, मैं इसकी राउटिंग टेबल दिखा देता हूँ, शो आईपी राउट, क्लियर है। मल्टीकास्ट और मैंने क्या किया, इस राउटर पे रिप डिसेबल कर दिया, तो ये जो पुराने राउट आए हुए हैं वो देख लो कितने टाइम के लिए, देखो इसका अब 30 सेकंड के बाद में नया अपडेट नहीं आया, इसका 52 सेकंड आ रहा है अभी, कितना आया, ये 240 सेकंड के बाद में इसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। देखो ये टाइमर बढ़ रहा है ना यहाँ पे, देखो 1 मिनट से ज्यादा हो गया टाइमर, है ना, तो 240 सेकंड के बाद में उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। मैं क्लियर कर रहा हूं मैनुअली, ये खुद क्या कनेक्टेड दिखा रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, राउटर रिप वर्जन क्या करना है, 1 नेटवर्क, आप बोल रहे हो इसको मैं 50 का बता देता हूँ, ये लो, और आप बोल रहे हो मैं इसको 30 का बता देता हूँ, मैं इसकी राउटिंग टेबल चेक करूँ, नहीं आया ना, और आएगा भी नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इन इंटरफेसेस पे रिप इनेबल नहीं हुआ। अब रिप इनेबल नहीं हुआ तो इनके अपडेट ये रिसीव कैसे करेगा राउटर, समझ रहे हो, ठीक है, क्लियर है, ओके फाइन।
डाउट क्लियर आपका? चलो फिर सेव कर लो।